हेलो हाय, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? और भगवान की कृपा से, मेरे कान्हा जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। और बताया करो मुझे कमेंट में कैसे हो सब लोग। और ये देखो मेरी बेटी का किचन, और ये मैं निकाल रही हूँ गरम कपड़े। और ये थोड़ा यहाँ सामान रखा था बॉक्स के ऊपर, बॉक्स में नीचे रखे हैं गरम कपड़े, तो मेरे को निकालने थे क्योंकि ये सुबह मेरे बेटे को छोड़ने जाते हैं, तो इनको लगता है ठंडी, बाइक से जाते हैं छोड़ने के लिए। तो ये बोल रहे थे मेरे से, मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि शशि स्वेटर ठंड लगती है, स्वेटर निकाल देना। तो मैंने सोचा मैंने सुबह ही निकालती हूँ, और आज है अहोई अष्टमी, और अहोई अष्टमी वाले दिन मैंने कहा व्रत है तो कोई नहीं, चलो ऐसे काम कर लेते हैं। तो वैसे अभी देखो साफ़ सफाई रोज़ डेली ऐसी होती रहती है, होती रहती है कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा अभी निकालती हूँ, बॉक्स बहुत भारी है तो मेरे से उठ नहीं रहा है। देखती हूँ खिसका खिसका के निकालूँगी धीरे धीरे, कैसे निकलता है धीरे धीरे देखती हूँ। और कुछ भी गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए सॉरी, पता नहीं मुँह से क्या क्या निकल जाता है, समझ में नहीं आता। ये देखो मैं ये निकाल रही हूँ बॉक्स में से, निकालूँगी गर्म कपड़े, और ये बहुत भारी बॉक्स है तो मेरे से उठ भी नहीं रहा है। मैंने सोचा कि थोड़ा ऐसे ही करके निकालती हूँ बेड के ऊपर खिसका खिसका के। अकेली थी घर में, कोई भी नहीं था, और मैंने सोचा ऐसे ही करके खिसका के निकाल लूँगी। और ये देखो धीरे धीरे करके निकालती हूँ। और बच्चों के भी कपड़े निकालने थे क्योंकि ठंडी हो, अब थोड़ा सुबह सुबह ठंडा होने लगा है, अब दिवाली तो आ ही गई है, और अब क्या है एक हफ्ता बचा है अहोई अष्टमी वाले दिन से। एक 8वें दिन ही होती है, जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है उसी दिन की दिवाली होती है 8 दिन बाद। तो और व्रत है तो इस चक्कर में मैंने चलो थोड़ा थोड़ा करते हैं काम धीरे धीरे। और यहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्वेटर वगैरह नीचे रखे थे, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं कैसे निकालूं, यहाँ जगह भी नहीं है, थोड़ी सी जगह है। तो देखो यहाँ देखो मेरी निकल आई शादी की एल्बम, और कमेंट करना बताना। देखो मैं अंदर तो नहीं दिखाई लेकिन ऊपर से दिखा रही हूँ। एल्बम को रख दिया साइड में, अब निकालती हूँ कपड़े। और कपड़े देखो बच्चों के सारे कपड़े, मतलब बच्चों के छोटे छोटे कपड़े भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं, तो एक एक थैली में छोटे छोटे कपड़े हैं उनको भी निकाला है मैंने, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर गांव जाते हैं तो गांव में रख के आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी ननद को छोटा सा बेबी हुआ है तो वो पहना लेंगी सॉक्स वगैरह और ग्लव्स वगैरह, छोटे छोटे बहुत सारे कपड़े हैं मेरे बच्चों के। अब बीच बीच में मैं चाय पी रही हूँ, चाय पीते जाना वॉइस कर वॉइस बोलते टाइम। और यहाँ समझ में नहीं आ रहा देखो क्या क्या कपड़े निकलेंगे। और घर में भी यहाँ भी थोड़ा बहुत टेबल पे वगैरह, इधर फ्रिज पे वगैरह भी सामान बहुत पड़ा है, और क्या करूँ डेली सामान हो ही जाता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। हाँ स्वेटर वगैरह निकल रहे हैं मेरे, मैंने सोचा अपने भी निकाल लेती हूँ, सबका एक एक दो दो निकाल लेती हूँ, और जब ज़्यादा ठंडी बढ़ेगी तब निकालूंगी और, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है फिर अलमारी में रखने का भी दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने समझ सोच के निकाल रही हूँ। ये देखो ये थैली निकली छोटे छोटे कपड़ों की। और यहाँ ये निकाल लिए मैंने इतने सारे कपड़े, मैंने अपना स्वेटर इनका स्वेटर हाफ, मतलब इमरजेंसी में कभी भी कहीं भी निकलें तो थोड़ा बहुत। और यहाँ हो गए हम तैयार, नहा धो के हो गई मैं तैयार, तैयार हो के मैं, मुझे बच्चों को लेने जाना था, मेरी बेटी को यशिका को, और वह उसको लाने के बाद मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा। और नीचे ये बच्चे शोर कर रहे थे, बच्चे नीचे डेली डेली एक एक मतलब आधा घंटे 20 मिनट डेली खड़ा कर लेते हैं नीचे। और मैं आ गई अब ऊपर, बच्चे भी आ गए हैं मेरे दोनों, मेरा बेटा भी आ गया स्कूल से,
और बताना मेरा आज ना अहोई अष्टमी वाले दिन मैंने साड़ी नहीं डाला है, ड्रेस डाला है और यहाँ अंदर भी दिखा रही हूँ मंदिर। और देखो ये है अहोई माता और इनको मैंने अभी किया है साफ। ये बहुत काली हो रही थी, चांदी की हैं तो ये बहुत काली हो रही थी, इनको मैंने साफ़ किया है। और ये कोलगेट से ना ऐसे ही साफ़ हो गया, कोलगेट से साफ़ किया था, बहुत अच्छा साफ़ हो गया, एकदम ब्लैक हो रही थी। मैंने पहले वीडियो शूट नहीं किया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही थी, तो मैंने कहा कोई नहीं चलो अब अहोई माता की आज व्रत है अपने। और आप सब लोग जानते ही होंगे, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, तो ये अहोई माता का व्रत कैसे होता है, ये बच्चों के लिए होता है। और यहाँ देखो मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ शाम को पूजा के लिए। और यहाँ हो गई है मेरी पूजा ख़त्म। और ये आज है अहोई माता की पूजा, बच्चों की सलामती के लिए रखा जाता है ये व्रत। और ये मैंने पूरी कथा पढ़ने के बाद बच्चों को भी मतलब टीका वीका करके, और यहाँ मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने। और यहाँ ना अहोई माता वाले दिन ना हमारे यहाँ तो चंद उसको तारे को अर्घ देते हैं, और आपके यहाँ कैसे अर्घ देते हैं बताना मुझे कमेंट में क्या क्या करते हैं। और बहुत से लोगों के यहाँ तो भी होती भी नहीं होगी, पता नहीं मुझे, ये नहीं पता है। मेरे यहाँ तो हमारी तरफ बहुत होती है ये बच्चों की सलामती के लिए। और मेरी